दोस्तों कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। और आज हम बात करने वाले हैं आदमपुर विधानसभा के असली सर्वे की, जिसको सोचकर आप हैरान रह जाएंगे। आदमपुर उपचुनाव पर आज तक का सबसे बड़ा सर्वे आपके सामने है इस समय। और हम बात करें डिजिटेक सी वोटर्स, एक कंपनी है जिन्हें 54 गांवों का 10,000 वोटर्स का सर्वे किया है। क्या है देखिए ज़रा हमारे साथ। सर्वे के नतीजे चौंकाने वाले हैं। सर्वे में भव्य बिश्नोई की जीत आदमपुर से उपचुनाव में है। इस बार जीत रहा है भव्य बिश्नोई। और आगे की बात करें कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी की कड़ी टक्कर है, आमने सामने की टक्कर है। और बीजेपी को 31.8% वोट है, और जबकि आम आदमी पार्टी की अगर बात करें तो 30.5% वोट आम आदमी पार्टी को जा रहा है। और कांग्रेस की हम बात करें तो 19.9% वोट कांग्रेस को जा रहा है। और अदर की बात की जाए तो 7.4% वोट, और बात की जाए नॉट डिसाइडेड, जो अभी डिसाइडेड नहीं हुआ है, वो 10.4% वोट है। और डिटेल सर्वे कास्ट के वाइज अगर हम बात करते हैं तो क्या है वो हमारे ज़रा सुनिएगा। बिश्नोई की बात करें, बिश्नोई जो एक कास्ट है उसकी बात की जाए तो बीजेपी को 82% वोट मिल रहा है, जबकि आम आदमी पार्टी को 8% वोट मिल रहा है, और कांग्रेस को 5% वोट मिल रहा है, और अदर को भी 5% वोट मिल रहा है। अगर बात की जाए एससी समाज की यानी शेड्यूल कास्ट की, तो 13% वोट जो है वो बीजेपी को मिल रहा है, और 73% वोट आम आदमी पार्टी को मिल रहा है, और 8% वोट कांग्रेस को मिल रहा है, जबकि 6% वोट बाहर जा रहा है। जाट समाज की अगर बात करी जाए तो 19% वोट बीजेपी को मिल रहा है, और 20% वोट आम आदमी पार्टी को मिल रहा है, और कांग्रेस को इसमें 48% वोट इस सर्वे के हिसाब से नज़र आ रहा है, और 13% वोट जो है वो बाहर जा रहा है। और बीसी यानी बैकवर्ड कास्ट की और ओबीसी की अगर बात करते हैं तो 46% वोट जा रहा है बीजेपी को यानी भव्य बिश्नोई को, और 36% वोट जो है वो आम आदमी पार्टी को जा रहा है, और 8% वोट कांग्रेस को जा रहा है, और 10% वोट जो है वो आपका अदर को जा रहा है। सिख की बात की जाए तो केवल 1% वोट जो है वो बीजेपी यानी भव्य को मिल रहा है, और 88% वोट इसमें सिखों का मिल रहा है आपका आम आदमी पार्टी को, और 7% वोट मिल रहा है कांग्रेस को, और 4% वोट बाहर जा रहा है। और बात की जाए मुस्लिम समाज की तो 0% वोट यहां से कांग्रेस को भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, जिसमें खाता भी नहीं खुल पाएगा, और 58% वोट मुस्लिम समाज का आम आदमी पार्टी को मिलेगा, और 30% वोट जो कांग्रेस को मिलेगा, और 12% वोट मिलने की संभावना अदर को है। और बात की जाए सर्वे में त्रुटि की संभावना 2.5 से 5% मानी जा रही हैं। और सर्वे में पूछे गए सवाल, कुछ अन्य सवाल जो हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, जानेंगे कि आखिर किन किन सवालों पर ये सर्वे किया गया है। आगे बढ़ते हैं। क्या होगा सबसे बड़ा मुद्दा? मुद्दा जो है क्या है सबसे बड़ा मुद्दा? शिक्षा है 26%, किसानी जो है वो 41% है, नशा जो है वो 8% है, और परिवारवाद 23% है, और अन्य 2% हैं। और किन राजनीतिक दलों में है टक्कर? तो ये है बीजेपी वीएस इंडियन नेशनल कांग्रेस 36% है, बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी 44% है, और बात की जाए त्रिकोणीय की तो 16% है, और अन्य की अगर बात करते हैं तो 4% है। आगे की हम बात करते हैं, क्या आम आदमी पार्टी की एंट्री से कोई फर्क पड़ेगा? ये एक बड़ा सवाल है, इस पर भी हम चर्चा करते हैं। हाँ, 86% आम आदमी का जो है वो हरियाणा में या फिर आदमपुर विधानसभा में पहुँचने से पड़ रहा है, नहीं 12%, और 2 की तो पता ही नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक सवाल है, क्या कुलदीप बिश्नोई का बीजेपी में जाना सही है या नहीं है, इस बारे में बात करते हैं। हाँ 32%, नहीं 51%, और पता नहीं 17%। आगे चलते हैं। क्या कांग्रेस की आपसी सलाह का असर इस चुनाव पर होगा? हाँ 73%, नहीं 19%, पता नहीं 8%। आगे की अगर हम बात करें आखिरी सवाल की, क्या किसान आंदोलन का असर इस चुनाव पर पड़ने वाला है? किसान आंदोलन रहा है बड़ा मुद्दा रहा है, इस पर भी हम बात करेंगे। हाँ 53%, नहीं 38%, और पता नहीं 9%। दोस्तों ये था जो सी कंपनी है, जिस वोटर्स की कंपनी है, ये उसका सर्वे है।
और उस सर्वे के हिसाब से हमने बात की है। डिजिटल सी वोटर्स जो कंपनी है उसने सर्वे किया है, 10,000 लोगों का सर्वे किया है, उसका कुल सर्वे मिला करके आपके सामने है। हमने ये बताया, ये मेरा कोई निजी राय नहीं है, मेरा कोई निजी सर्वे नहीं है,